और चलिए अब एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुरुवार को भी देश में कोरोना में कहर बरपाया है। बीते 24 घंटे में 3,86,854 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,501 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। गुरुवार को भी देश में कोरोना ने कहर बरपाया। 24 घंटे में, बीते 24 घंटे की बात कर रहे हैं, 3,86,854 नए केस। तो ये आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए और इनके जरिए आप अंदाजा लगाइए कि कितनी रफ्तार के साथ कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। महज एक दिन की हम बात कर रहे हैं, 24 घंटे का जिक्र कर रहे हैं, जब कोरोना से 3,501 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी 30 लाख के पार अब जा पहुंचा है। अलग अलग राज्य, अलग अलग शहरों में तमाम पाबंदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 3,86,000 से ज्यादा मामले एक दिन में देश में सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। गुरुवार का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब रफ्तार के साथ कोरोना बढ़ रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 15 मई तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 66,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे की बात की जाए तो 771 मरीज ऐसे जिनकी मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 83% से ज्यादा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। और अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को भी कोरोना ने कहर बरपाया। बीते 24 घंटे में 35,104 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 295 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश जहां पर वीकेंड लॉकडाउन का दायरा जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। 3 दिन तक सब कुछ बंद रहेगा। पहले जो समय होता था वो 2 होता था, क्योंकि कवायद इस बात की है कि जो कोरोना की चेन है उसको ब्रेक किया जा सके। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आज शाम से ही लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा। और ये अहम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है, क्योंकि जिस तरह से यूपी में भी कोरोना बेलगाम हो गया है उसको देखते हुए ये फैसला बहुत जरूरी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 24,235 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 395 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दिल्ली के आंकड़े अब आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है, राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है वो आप भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कोहराम जारी है। बीते 24 घंटे में 15,804 नए केस सामने आ चुके हैं। गुरुवार को कोरोना से 251 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ जहां पर भी सख्ती बहुत ज्यादा सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही है, लेकिन 24 घंटे में 15,804 नए मामले सामने आए हैं और 251 लोग ऐसे जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। और चलिए गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में भी कोरोना ने कहर बरपाया है। 24 घंटे में 14,327 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे में 180 लोगों की मौत गुजरात में हो चुकी है। गुजरात का हाल क्या है उसके आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में कोरोना कहर बरपा रहा है। बीते 24 घंटे में 14,327 नए केस गुजरात में सामने आ चुके हैं। गुजरात में भी कोशिश लगातार की जा रही है सरकार की तरफ से भी। एक तरफ वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की बात सामने आ रही है, दूसरी तरफ कोरोना की चेन को ब्रेक कैसे करना है इसको लेकर भी लगातार जो कोशिश है वो गुजरात में की जा रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना पर बिगड़े हालात को लेकर आज पीएम मोदी बैठक करेंगे मंत्रिपरिषद के साथ। सुबह 11 बजे करेंगे बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करने वाले हैं। इसमें चर्चा इस बात को लेकर की जाएगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर देना है, और दूसरा जो हालात फिलहाल पूरे देश में बने हुए हैं आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है इस पर आज समीक्षा की जाएगी। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी मंत्रियों से कहें कि आप जनता के बीच जाएं और उनसे संवाद करें। कोई बड़ा फैसला भी इस बैठक में लिया जा सकता है। तो सबकी निगाहें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक पर रहेंगी, क्योंकि लगातार देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देखना होगा कि इस चर्चा में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तो कल से पूरे देश में 1800 ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले समाज में कुछ लोग हैं जो वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
लेवल डाउन आता चला जा रहा है। दर्द का ये दौर मिटाने के लिए, खुद की और देश की सुरक्षा के लिए, वायरस पर विजय के लिए वैक्सीन लगवाइए, राष्ट्र धर्म निभाइए। कोरोना वायरस से बचने की तरकीब हमें पता है, लेकिन इस वायरस को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए, अपनों को इस शैतान से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सुरक्षा कवच है, और यही सुरक्षा कवच कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। वो है भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड। शनिवार से पूरे देश में 18 से ज्यादा उम्र के सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो रहा है। इन दोनों वैक्सीनों में से किसी भी एक वैक्सीन के दो डोज से हम कोरोना से लड़ने में पूरी तरह सक्षम होंगे, लेकिन समाज में कुछ लोग हैं जो वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। कोरोना से ज्यादा वैक्सीन का खौफ, देश की वैक्सीन पर क्यों नहीं यकीन? अफवाह वाले वायरस का इलाज कब? आपकी सुरक्षा से होगी राष्ट्र की रक्षा। वैक्सीन लगवाइए, राष्ट्र धर्म निभाइए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश में निर्मित दो वैक्सीन को लेकर तरह तरह के भ्रम और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, या फिर लोगों के मन में है, जबकि पूरी दुनिया में भारतीय वैक्सीन का डंका बज रहा है। 188 देशों को भारत की इन दोनों वैक्सीन पर पूरा भरोसा है, फिर हम क्यों भ्रम में फंसे हुए हैं? कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज देश में करोड़ों लोगों को लग चुकी है। इनमें से अधिकतर तो दूसरी डोज भी ले चुके हैं, फिर भी लोगों को वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रम है और कुछ अफवाहों में फंसे हुए हैं, जैसे वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण का खतरा। बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, क्योंकि ऐसे मामले देखे जा रहे हैं कि अस्पतालों से जुड़े जिन लोगों का वैक्सीनेशन सबसे पहले हुआ, वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। सच्चाई है कि वैक्सीनेशन संक्रमण ना होने की गारंटी नहीं देता, लेकिन संक्रमण से लड़ने की गारंटी जरूर देता है। यानी वैक्सीन की दोनों डोज लगने के कुछ दिनों के बाद आपके भीतर कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। कोरोना सर्वाइवर के लिए वैक्सीन जरूरी नहीं, ये भ्रम है। कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक होने के बाद शरीर में एंटीबॉडी तो बन जाती है, लेकिन वो कुछ समय के बाद कमजोर हो जाती है, जबकि वैक्सीन की दोनों डोज लगने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जो कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत देता है। इतनी जल्दी तैयार वैक्सीन सुरक्षित नहीं। वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के बाद मंजूरी मिली है, और इन दो वैक्सीन में से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट वायरस पर भी कारगर है। अमेरिकी स्टडी में यह प्रमाणित हुआ है कि बदलते वायरस से भी लड़ने में यह वैक्सीन कारगर है, और अब तक करोड़ों लोगों के वैक्सीनेशन में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं देखी गई जिससे वैक्सीन पर शक किया जाए। वैक्सीनेशन के समय संक्रमित हो सकते हैं। वैक्सीनेशन के समय भी आपको सुरक्षा के सभी नियमों का ध्यान देना है। डबल मास्क लगाकर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, किसी भी सतह को छूने से बचें, लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें। वैक्सीनेशन प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद भी तब तक मुंह आंख नाक बिल्कुल न छुएं जब तक घर पर आकर साबुन से नहा न लें। आपके वैक्सीनेशन बिल्कुल सुरक्षित है। वैक्सीनेशन के बाद एहतियात नहीं बरतनी, एहतियात बरतनी है। सभी नियमों का तब तक पालन करना है जब तक कि पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लग जाती। एक बार फिर सुन लीजिए, वैक्सीन वायरस से लड़ने की क्षमता देती है, संक्रमण से सुरक्षा नहीं। संक्रमण से सुरक्षा के लिए नियमों का पालन जरूरी है। व्रत और रमजान में वैक्सीन नहीं लगवा सकते। धार्मिक गुरुओं ने स्पष्ट किया है कि सभी धर्म के अनुसार अपनी और अपनों की जान बचाना प्रथम कर्तव्य है, और राष्ट्रहित में चल रहे वैक्सीनेशन से मुंह मोड़ना अधर्म है।
ऐसे में किसी के बहकावे में ना आएं और वैक्सीन लगवाएं। पीरियड्स में वैक्सीन नहीं लगवानी। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि पीरियड्स में ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती कि महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा सकती हैं। लिहाजा वैक्सीनेशन का महामारी से कोई लेना देना नहीं है। अब जानिए कि किसे वैक्सीन नहीं लगवानी है। जिन्हें एलर्जी की बीमारी है, जो बुखार से ग्रस्त है, खून पतला करने की दवा लेते हैं, वे महिलाएं जो गर्भवती हैं, वे महिलाएं जो स्तनपान करा रही हैं, लो इम्यूनिटी वाले लोग जो दूसरी कोई वैक्सीन ले चुके हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जिन्हें पहली डोज से गंभीर एलर्जी हुई। ये दो टीके जिंदगी के हैं और वैक्सीनेशन को फैलाया जा रहा है किसी भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी तरह का भ्रम है तो अपने डॉक्टर से बात करें, उनकी सलाह पर काम करें और राष्ट्रहित में वैक्सीन जरूर लगवाएं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। गोवा में 3 मई तक 4 दिन का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बेवजह घूमने पर पूरी तरह से पाबंदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जरूरी सेवाओं के लिए यहाँ पर छूट रहेगी। मास्क के बिना बाहर निकलने पर अब भारी जुर्माना देना होगा, तो ये सख्त पाबंदियां यहाँ पर भी लगा दी गई है। 3 मई तक, आने वाले 3 मई तक 4 दिन का पूर्ण लॉकडाउन यहाँ पर रहेगा और कोई भी अगर बेवजह घूमता हुआ नजर आएगा तो फिर जुर्माना भी लगाया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हांगकांग से दिल्ली पहुंचे मेडिकल उपकरण, हांगकांग से 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पहुंचे हैं। लगातार देखिए दुनिया भर में तमाम देश भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त भारत की चिंता कर रही है। भारत की स्थिति पर सभी की निगाहें और हर कोई अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह हर बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रही। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।